गुजरात के इलाका डिंगा में सईद गार्डन में काम करने वाला माली ट्रैफिक हादसे का शिकार। जिला सखर के रहायशी उमर रसीदा माली की अलमनाक मौत का वाकया उसके बेटे के सामने कैसे पेश आया, देखिए आवाज न्यूज की इस रिपोर्ट में। गुजरात में पूरी हादसा खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। डिंगा के इलाका में सईद गार्डन के सामने एक खूनी हादसा पेश आया है, जहां पर सईद गार्डन पर काम करने वाला एक माली जो है, एक बूढ़ा शख्स जो है अजीम जुनेजो, जो के सखर का रहायशी था, जिला सखर से यहां पर बतौर माली काम कर रहा था, वो एक ट्रैफिक हादसा में अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। ये बताया गया है कि उसका बेटा जो है उसे मिलने के लिए सखर से आया था, जिसके लिए वो चाय लेने गया था। जब वो मोटरसाइकिल पर चाय लेकर वापस आ रहा था तो एक यू टर्न पर तेज रफ्तार मज़दा बस ने उसे बुरी तरह कुचल दिया, जिसकी जद में आकर वो मौका पर जान बहक हो गया। इतना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू की टीम जो है मौका पर पहुंची और मतवफी की नाश जो है पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुँचाई। थाना डिंगा पुलिस ने मतवफी अजीम जुनेजो का जो बेटा है नसीम जुनेजो, उसकी मदयत में हामद अंसारी जो है सकना कोर्ट जो है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुल्जम की तलाश शुरू कर दी गई है। आवाज़ न्यूज से मैं हूं आकाश न्याल। आवाज़ न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।